एक बार फिर जेएनयू खबर में है, जेएनयू का छात्र आंदोलन खबर में है। छात्रों ने पार्लियामेंट तक लॉन्ग मार्च किया, पुलिस ने रोका, लाठी चलाई, कई छात्र घायल हुए। जाहिर है ऐसे में खबर इस पे बनती है, घायल हुए, किस रूट से गए, क्यों गए, ये सवाल हैं, जायज़ हैं। लेकिन ये आंदोलन एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल उठाता है। ये सवाल सिर्फ जेएनयू का नहीं है, सवाल सिर्फ मेस का नहीं है, इस देश के भविष्य से जुड़े हुए एक बहुत बड़े सवाल की हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं सलाम करता हूं जेएनयू के विद्यार्थियों को कि उन्होंने इस बड़े सवाल को उठाया। बड़े सवाल पे आने से पहले थोड़ा छोटे सवाल, क्योंकि जेएनयू की जब चर्चा होती है सब तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। मैं आमतौर पर इससे थोड़ा दूर रहता हूँ, वैसे मैं खुद जेएनयू में पढ़ा हूँ 1981 से 83 तक, लेकिन ये जो होता है ना जेएनयू वाले हैं हम, मैं इससे थोड़ा सा दूर रहता हूँ, बच के रहता था। जब जेएनयू एल्यूमिना एसोसिएशन वगैरह भी होती थी, मैं आमतौर पर इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहता था। इसलिए नहीं कि जेएनयू के बारे में कोई शर्म थी, बल्कि ये जो वो थोड़ा हो जाता है ना कि मैं ऐसी जगह से पढ़ के आया हूँ, मेरे चार सितारे लगे हैं, इन चीज़ों से मेरे को थोड़ा बकाहट रही है। तो इसलिए जेएनयू के बारे में बहुत जंप करके बोलना और जेएनयू वाला वाली मेरी प्रवृत्ति नहीं रही है। लेकिन जिस किस्म की बातें इस चर्चा में बोली जा रही हैं, ये तो वाहियात बातें हैं। जेएनयू आप माने, अच्छा माने, बुरा माने, सहमत हो कुछ प्रोफेसरों से, असहमत हो, विचारधारा अच्छी लगे, बुरी लगे, लेकिन देश की उन चंद यूनिवर्सिटियों में से है जिसके बारे में आप विदेश में जाके भारत के बारे में गर्व के बारे में दो बात कह सकते हैं। अभी जो नोबेल प्राइज मिला अभिजीत बैनर्जी, वो भी जेएनयू से हैं, और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, वो भी जेएनयू से हैं। जो आपको पसंद हो उसको ले लीजिए। जो सरकारी रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज़ की, उसका टॉप है A++, पिछले 5 साल से जेएनयू को वो मिल रहा है, मिलेगा ही। तो ये कहना कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बढ़ाई नहीं होती, मतलब इस तरह की तो ये सोचना इतना अनपढ़ता का लक्षण है। और दुर्भाग्यवश हमने अपने कुछ टीवी चैनलों की मेहरबानी है कि ऐसी ऐसी बातें हमने फैला दी हैं कि मुझे लगता है कि हम देश की हर संस्था का कुंडा करके ही मानेंगे। तो सवाल केवल जेएनयू का नहीं है, और सवाल सिर्फ मेस के खाने का नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें पूछी जा रही हैं। साहब यहाँ तो 100 रुपये में कमरा मिलता है, ये है वो है, मुद्दा क्या है? देखिए, मोटी बात यह है कि मेस की खाने का कुल मिला के खर्चा इस वक्त 2500-3000 था, और अगर ये प्रस्ताव जो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन लाया है वो हो जाता है तो 5-6 हज़ार हो जाएगा। अब एक साधारण विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। ये लोग जो ट्विटर पे लिखते रहते हैं मैं टैक्स पेयर हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया, इन्हें शायद पता नहीं है लोग किस किस परिस्थिति में आके पढ़ते हैं, कहाँ से आ रहे हैं। जेएनयू में फ़र्क बाकियों से सिर्फ इतना है कि जेएनयू में आज भी देश भर से बच्चे आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, देश भर के ऐसे इलाकों से आते हैं, उन परिवारों से आते हैं जिन परिवारों ने आज तक किसी को हायर एजुकेशन में भेजा नहीं होगा। उन लोगों के लिए, इस बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के लिए इतना बड़ा सवाल है ये, शिक्षा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे उसका सवाल है। इसे हल्का करके ना आके, सरकार कहती है हमने तो ऑलरेडी चेंज कर दिया, वो चेंज किया नहीं है। जो जिसे अखबार में बताया गया था कि रोल बैक कर लिया गया है, वो जैसा सरकार का होता है इतनी कंडीशन लगा दी है कि बिलो पॉवर्टी लाइन हो, ये सर्टिफिकेट लाओ, वो हो वो हो, तो उसमें तो मुश्किल से 2-5% लोगों को छूट मिलेगी, बाकी को तो छूट नहीं मिलेगी। तो असली सवाल ये है कि ये हायर एजुकेशन की कॉस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इससे हम बच नहीं सकते। सवाल सिर्फ जेएनयू का नहीं है, ये बिट्स पिलानी में इसके बारे में हो चुका है आंदोलन, TISS टेस्ट जो मुंबई हैदराबाद वगैरह में है उसमें आंदोलन हो चुका है, उत्तराखंड में आंदोलन हो चुका है, IIT में MTech की फीस को लेके हुआ था। ये पूरे देश का एक बड़ा सवाल है, सिर्फ जेएनयू का नहीं है, सिर्फ मेस की फीस का नहीं है। हायर एजुकेशन इस वक्त इस देश में अपनी जिंदगी बना सकने का एकमात्र रास्ता है। इस गली से गुजरे बिना आपके पास सपना नहीं है, कोई भविष्य नहीं। हमारे देश में एक पीढ़ी की जो इनइक्वालिटी है,
दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का जरिया है एजुकेशन, और इनइक्वालिटी को तोड़ने का औजार है एजुकेशन। अगर हायर एजुकेशन का मौका नहीं मिलेगा तो आप अपनी जिंदगी संवार नहीं सकते, और वो मौका अगर आपको पैसे के आधार पे मिलेगा तो इसका मतलब क्या है? गरीब बाप का बेटा गरीब रहेगा, अमीर बाप का बेटा अमीर बनेगा। JNU का आंदोलन इस बड़े सवाल को उठा रहा है। हमारे देश में जो संविधान कहता है सबको बराबर अवसर, बराबर अवसर कैसे मिलेंगे अगर शिक्षा, उच्च शिक्षा आपको मुफ्त न मिल सके? और ये कोई मुफ्तखोरी नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य देना सरकार की न्यूनतम जिम्मेवारी है। भारत जैसे देश में लोगों को शिक्षा के बराबर अवसर देना, यानी कि परिवार की परिस्थिति जो भी हो, जिसको अंग्रेजी में नीड ब्लाइंड बोला जाता है, परिवार की परिस्थिति जो भी हो, शिक्षा के अवसर आपको अपनी योग्यता के अनुसार मिलते जाएंगे जब तक आप में योग्यता की कमी ना हो, वो देना इस देश के संविधान की जरूरत है। और JNU का आंदोलन हमारी उस तरफ ध्यान आकर्षित करता है। सवाल सिर्फ हॉस्टल फीस का नहीं है, हॉस्टल फीस का सवाल तो इसलिए बन जाता है कि जो बाहर से आए हैं वो बिल्कुल दे नहीं सकते, उसमें फंस जाते हैं। असली सवाल हायर एजुकेशन की टोटल कॉस्ट को लेके है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे देश में स्कॉलरशिप, फेलोशिप, फ्रीशिप, ट्यूशन फ्रीशिप इत्यादि की संख्या इतनी कम है। मैं बताऊँ, अमरीका की जो यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो कई तो दुकान की तरह है। अमेरिका की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ज़्यादा छात्रों को स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलता है पूंजीवादी देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। 20-25-30% लोगों को फेलोशिप मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। हमारे यहाँ सब कुछ को आप जोड़ दीजिए तो BA MA में 1% लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता। जब मैं UGC में था आज से 10 साल पहले, तब मैंने इसकी गिनती करवाई थी, इस सवाल को UGC में उठाया था, एक कमेटी भी बनवाई थी, कुछ हुआ नहीं उसके बाद, कमेटी थी उसके बीच में ही सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तब हमने गिनती की थी। जितना कम स्कॉलरशिप और फेलोशिप यहाँ मिलता है उतना दुनिया में किसी और बेहतर देश में नहीं होगा। तो जब तक हम विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप फ्रीशिप फेलोशिप ना बढ़ाएं, और सिर्फ MPhil PhD में नहीं, MPhil PhD में तो पहुँचते ही कितने लोग हैं, BA में दीजिए, MA में दीजिए, कम से कम 10% विद्यार्थियों को तो देना शुरू कीजिए। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये दूसरे सवाल उठते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है हॉस्टल सस्ता सबको नहीं मिलना चाहिए, ठीक बात है, मत कीजिए, लेकिन फिर कम से कम 30-35% बच्चों को फ्री हॉस्टल दीजिए, वो करना पड़ेगा। नहीं तो ये लोकतंत्र, कहने को लोकतंत्र है, कहने को अवसरों की बराबरी है, लेकिन वास्तव में बराबरी नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि हम एक ऐसा लोकतंत्र बनाने जा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति एक वोट तो है लेकिन एक व्यक्ति एक नोट नहीं है, और जब तक सामाजिक आर्थिक विषमता बनी रहेगी तब तक वोट बराबर होने का कोई मतलब नहीं है। इस बड़े सवाल को ये उठा रहा है। अब आप सोचेंगे कहाँ एक मेस का मामला और कहाँ राष्ट्रीय मुद्दे आप उठा रहे हैं, क्या जुड़ता है? एक बात याद दिला दूं आपको, दुनिया में जब जब युवा लोगों के बड़े आंदोलन हुए हैं हमेशा ऐसे ही किसी तात्कालिक और छोटे मुद्दे से शुरू हुए हैं। इस देश का बहुत बड़ा आंदोलन था गुजरात में, नवनिर्माण आंदोलन युवाओं ने शुरू किया था, पता है किस मुद्दे से शुरू हुआ था? मेस के खाने पे। और उस आंदोलन से एक व्यक्ति नेता बना था, उसका नाम पता है? वो आज इस देश का प्रधानमंत्री है।